अयूब मेडिकल कम्प्लेक्स में स्टूडेंट नर्सिस का एजाज ये कि मामले पर जारी एहतजाज पीर के रोज उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब मुजाकरात की नाकामी पर नर्सिस ने शाहरा रेशम ब्लॉक करके सड़क पर एहतजाज शुरू कर दिया। स्टूडेंट नर्सिस को महाना 3,500 रुपए एजाजिया फराहम किया जाता है जो कि गुज़श्ता 3 माह से बंद है। 10,000 स्कॉलरशिप पढ़ाया जाए जबकि इन्होंने हमारी कोई बात नहीं मानी और आज जब हम एमएस से बात करने के लिए आए एमएस हमारे सामने आया और उसने हमारी जो प्रिंसिपल साहब का उनको यही कहा था कि ये चार्ज नर्स है इसने मिडवाइफरी नहीं की हुई ये तुम लोग की प्रिंसिपल नहीं है आज उसी के आगे ये हाथ फैलाने के लिए गया है और जब उनसे उनको हमने ये बताया जब वो बाहर आई तो उन्होंने एमएस से बात की और एमएस ने मुझ पर हाथ उठाया है और ये क्या दी है धमकियां दी है टर्मिनेट करेगी ये काम का रूल है कि बच्चियों पे हाथ उठाओ कि अपनी बेटियां आपकी बेटियों पे अगर कोई हाथ उठा दे तो चुप रहोगे आप लोग क्या आप बिकाओ माल नहीं है चुप रहोगे आप लोग क्या आप बिकाओ माल नहीं है हम लोग अपना हाथ नर्सेस कई रोज से हड़ताल पर हैं। शाहरा रेशम 2 घंटे से ज़ायद वक्त तक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक रही। नर्सेस अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी करती रही। नर्सों की जानिब से शाहरा रेशम को ब्लॉक करने की वजह से गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। एहतजाज के दौरान दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त देखने में आई जब बाज़ नौजवानों ने मोबाइल फोन पर फिल्में बनाने की कोशिश की जिस पर नर्सेस का शदीद रद्द अमल सामने आया। रोड ब्लॉक करने की वजह से अवाम और सुजुकी ड्राइवरों के साथ नर्सेस का तुंद तेज जुमलों का तबादला भी हुआ। अभी एम एस ने हमारे साथ एक इंतहाई घटिया हरकत की उसने हमारे स्टूडेंट पे हाथ उठाई ये कौन सा तरीका है ये कौन सा कानून है कि जहाँ पे जो है आदमी लाजवाब हो जो औरत पे हाथ उठाए वो हमें ये कहा जाता है कि हम आपको ये करते हैं धमकियाँ देते हैं थ्रेट देते हैं थ्रेट किस बात करते हैं हम सारे उनके बच्चों की जगह पे हमने यहाँ पे ड्यूटी की हम उनसे भीख नहीं मांग रहे ये लोग खुद एसी के रूम में रहते हैं हमें धूप में खड़ा करते हैं ये कौन सा तरीका है इनके कुत्ते भी राज करें हमें हमारा हक घंटे सड़क की बंदिश के बाद नर्सों ने इंतजामिया को 24 घंटों की डेडलाइन देते हुए शाहरा रेशम को खोल दिया। कैमरामैन टीक्यू के साथ ताहिर महमूद, HCP न्यूज़, एबटाबाद।